हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपिश। आज हम बात करेंगे एमसीएक्स शेयर के बारे में। इसको मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज बोलते हैं। ये शेयर काफी अच्छा है वैसे देखा है तो, लेकिन ये थोड़ा वोलेटाइल ज्यादा रहता है। ये अभी इसका रिजल्ट काफी अच्छा आए थे, हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात करी थी। तो तब हमने क्या बात करी थी, इस लेवल के बाहर निकलता है, यहाँ पे सस्टेन करता है ब्रेकआउट के बाद, तब जाके आप एंट्री का प्लान कर रहे हैं, तो फ्रेश एंट्री का। अब देखो इसने क्या गया तो सही, यहाँ पे इसके ऊपर निकला भी सही, पर सेकंड डे इसने वापस रेड कैंडल बना दी और फिर दो दिन बैक टू बैक रेड कैंडल बना के आज वापस ग्रीन कैंडल बनाई है। पर जहां तक मुझे कंडीशन लग रही है अभी ओवरऑल मार्केट अभी थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है, या तो ये हो सकता है कि 1461 की लेवल को ये रिटेस्ट करने आए, क्योंकि इसका पहला रेजिस्टेंस था यहाँ पे, तो ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अब इस लेवल से अगर रिटेस्ट करके वापस से ऊपर एंट्री निकालता है तो फिर इसमें ब्रेकआउट अच्छा मतलब कंफर्मेशन आ जाएगा उस ब्रेकआउट का। और अगर इस लेवल को 1461 की लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर 1372 1380 के आसपास आ सकता है इस रेंज में यहाँ पे है। तो बॉक्स को लेकर एक क्रूशियल लेवल बनेगा इसका, बॉक्स का आप ध्यान रखें इस लेवरेज को। देखो इस रेंज में से जहां भी ब्रेकआउट देगा ब्रेकडाउन देगा वो फिर मोमेंटम थोड़ा सा उस साइड ज्यादा डाइवर्ट कर देगा ये, तो आप वेट करें इसमें। अभी कोई एंट्री का प्लान मत करें, मतलब क्योंकि कंडीशन क्लियर हो जाए उसके बाद आप एंट्री करें। कि देखिए इस जगह पर कई बार इसमें सपोर्ट बनाया है इस रेंज में, तो ये ब्लॉक काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इस ब्लॉक के ऊपर देखिए यहाँ पे कई बार का सपोर्ट है, यहाँ पे कई बार रेजिस्टेंस बनी है, तो इस चीज का ध्यान रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा मैं, मेरी कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने एडवाइस एक बार डिस्कस करें उसके बाद ही कोई ट्रेड प्लान करें यहाँ पे। थैंक यू फ्रेंड्स।